हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको रबन बैंड को डेकोरेट कैसे करते हैं कपड़ों से वो बताने जा रही हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, इस रबर बैंड को डेकोरेट करने के लिए हमें चाहिए सनील का कपड़ा। आप इसकी जगह कॉटन के कपड़े यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के रबर चाहिए हमें। और यहाँ पे देखिए, 2 इंच की मैंने कार्डबोर्ड लिया है। इस तरह का हमें कॉटन चाहिए। ये देखिए, काफ़ी मुलायम रेशम सा होता है ये। स्टफिंग कहते हैं इसे, सीजो, थ्रेड एंड निडल। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये छोटी बच्चियाँ जो होती हैं उनके लिए स्पेशल है, और हम बड़े भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कार्डबोर्ड को कपड़े पे इस तरह से रख लेंगे, और चॉक से हमें इस तरह से निशान लगा लेना है गोलाई में। आप इसे इजीली बना सकते हैं, बनने के बाद खूबसूरत लगता है ये। अब देखिए, इसे हम गोलाई में इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए, इसे मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, मैंने सुई धागे को ले लिया है। अब हमें देखिए, ये जो हमारा कपड़ा सीधे के तरफ से है, ये उल्टे के तरफ से है, तो हमें उल्टे जो भाग है उसे ऊपर रखना है। फिर देखिए, इस सुई को हम नीचे से इस तरह से यहाँ पे डाल देंगे, और 2 इंच तक का हम धागा छोड़ देंगे इस तरह से, और कपड़े को पूरे गोलाई में इस तरह से हमें गूलना है। देखिए, ये जो हमने धागा छोड़ा है इसे हमें यहाँ पे छोटा ही रहने देना है, उसे नहीं हमें आगे खींचना है। इस तरह से हम इसे गोलाई में पूरा लगा लेंगे सुई को और धागे को। ये देखिए, अब ये जो सुई है यहाँ पे देखिए, एंडिंग में हम धागे को इस तरह से नीचे ले लेंगे। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा फैला लेंगे, देखिए इस तरह से। अब देखिए, हम इसे इस तरह से हमने फैला लिया है। अब हमारे पास ये जो कॉटन है उसे इस तरह से हमें बॉल की तरह तैयार कर लेना है, और इसके अंदर हम इसे इस तरह से डाल देंगे। देखिए, और डालने के बाद यहाँ पे ये जो धागे हैं उन्हें हमें इस तरह से खींचना है, जिससे कि ये गोलाई में तैयार हो जाए। देखिए इस तरह से। बॉल की तरह से यहाँ पे तैयार हो जाएगा। खींच लेना है अच्छी तरह से। देखिए, उसके बाद खींचने के बाद अब हम यहाँ पे दोनों धागों को इस तरह से पकड़ के गांठे लगा लेनी है। देखिए, यहाँ पे हमें फिट एकदम गांठ लगानी है इस तरह से। उसके बाद ये वाला जो धागा है छोटा वाला, उसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए, एक बार हमें सुई जो हमारी है यहाँ से बीच से ले लेना है, और एक गांठ लगा लेंगे इस तरह से। धागे को कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें तैयार करना है। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरह से 4 बॉल्स और तैयार कर लिए हैं मैंने। अब देखिए, इन्हें हम इस तरह से एक दूसरे के साथ लगा के रखेंगे। इस तरह से हमें लगाना है। यहाँ से हम
एक बॉल्स इस तरह से ले लेंगे और इस सुई को इसके इस तरह से अंदर से डाल लेंगे। दूसरा भी इसी तरह से कर लेंगे, सेंटर से ही लेना है हमें। देखिए अब इन सबको इस तरह से एक दूसरे के पास हमें फिट करना है। देखिए अच्छी तरह से करने के बाद यहाँ पे हम मजबूत गाँठे लगा लेंगे। देखिए इस तरह से इसे हम धागे को बचे हुए धागे को कट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्लू का इस्तेमाल करूँगी इसके यहाँ पे कोनों कोने में, जिससे कि ये अच्छी तरह से यहाँ फिट हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे इसे चिपका लेना है। एक इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने राउंड में कपड़े को कट किया है। ये जो हिस्सा है हमारा जो इस तरह से दिख रहा है, इसे हम पूरा कवर कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे पहले मैं इस तरह से ग्लू लगा लूँगी। और इस तरह से हमें इसे कपड़े को इस पे रख देना है इस तरह से। ये देखिए इसे हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से पहले हम यहाँ पे ग्लू लगा देंगे। अब इसे हम ग्लू के साथ यहाँ पे अच्छी तरह से चिपका देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब ये जो हमारा जगह इस तरह से खाली है, तो यहाँ पे हम एक स्टोन लगा देंगे, जिससे कि ये जगह भर भी जाएगा और दिखने में भी खूबसूरत लगेगा। देखिए इस तरह का आप कोई भी स्टोन लगा सकते हो यहाँ पे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे लगा दिया। सो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये जो रबर बैंड है, डेकोरेटिव रबर बैंड, इस तरह से कुछ बन के आया है। दिखने में काफ़ी सुंदर है, सिंपल भी है और आसान है। कुछ ज़्यादा खर्च भी नहीं है इसे बनाने में। आप इजीली इसे मिनटों में बना सकते हैं। आप इसे पार्टी में या स्कूल में या कहीं भी आपको जाना हो, तो आप अपने बच्चों को या खुद इस तरह के ये जो रबर बैंड है, आप इसे फटाफट बना के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्रीटी है, दिखने में भी बहुत सुंदर है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे। और अगर आपको इसे बनाने में कुछ कन्फ्यूज़न हो, समझ में ना आए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन के बाद में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। बाय बाय, थैंक यू।